ये देखें, ये सारी स्किन उतर चुकी है और यहाँ पर इसकी आईज भी अब खुल नहीं पा रही। इसको पता नहीं खुली ये है। देखो कि हम कैसी को यहाँ पर रखें या चेंज कर दें, क्योंकि कैसी यार बिल्कुल पालतू नहीं हो रही। ओए यार कैसी ऐसे नहीं करते यार, कैसी की हो यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो यार सर्दियों की शुरुआत हो रही है अब। आज का मौसम बहुत ही मजे का था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और ऐसे फील हो रहा है कि सर्दियां आ रही हैं। और मौसम बदलने की वजह से मेरी भी तबीयत यार आज खराब है, नज़ला बुखार वगैरह शुरू हो गया है। लेकिन कोई नहीं यार, कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। मौसम अच्छा हो गया ना, ये रिलैक्सेशन मुझे मिल गया, क्योंकि मेरे परिंदे भी खुश हो जाएंगे, खासतौर पर ऐश और फियोना और दूसरा लायन वगैरह, सारे बर्ड्स वगैरह सुकून से अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे। और अभी यहाँ पर कैसी वैसे ही कर रही है यार, जैसे हमेशा करती है। ये सिप्तान से बिल्कुल मैं तो एक आइडिया आ रहा है मेरे से। हाँ, क्या आ रहा है बताओ भाई। चेंज कर देना चाहिए। मैंने उधर इस्लामाबाद में राइड की थी ना जो। हाँ, याद है मुझे। इतना सॉफ्टली वो स्टेबल भाई, कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे। इधर तो ये ऊपर नीचे कर रही थी, मैं उधर इतना रिलैक्स फील कर रहा था। मैं कह रहा था मैं इतने स्टंट भी मार सकता था उस टाइम, इतना रिलैक्स फील कर रहा था मैं। फिर कैसी को वापस कर दें? मेरा दिल मान तो नहीं रहा, लेकिन यार ये राइड भी सही निकला। यार ये कैसी ना हमारी दोस्त नहीं बन रही। हमने इसके साथ काफी दोस्ती लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये बिल्कुल दोस्त नहीं बन रही। हमने इसको काफी कुछ खिलाया अपने हाथों से, इसको प्रॉपर डाइट का ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद ये हमसे डरती है। पता नहीं इसको मसला क्या है। यार इन रैबिट्स की मुझे समझ नहीं आ रही सिप्तान। क्यों नहीं आ रही यार, इन्होंने नए रैबिट के साथ पता है क्या सलूक किया है? क्या किया? ऐसे किया जैसे कोई इनकी सदियों पुरानी दुश्मनी हो। उस बेचारे को देखो वहां पर छुपा हुआ है वो रैबिट, देख रहे हो? चलो इसको बाहर लेके आओ, चलो आजो आजो आजो। यार ये देखें इसका हाल, देखें इन रैबिट्स ने इतना मारा है ना इसको, इसकी सारी स्किन पीछे से खराब कर दिया। ये देखें ये सारी स्किन उतर चुकी है और यहाँ पर इसकी आईज भी अब खुल नहीं पा रही। इसको पता नहीं, ये देखो 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 कितना खराब होगी यार आँख इसकी। इसको ना यहाँ पर रख दो तुम, थोड़ी सी हवा खाएगा ये। यार हम सोच रहे थे कि यार दोस्त आ जाएगा इनका एक और, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। हाँ भाग सही रहा है, लेकिन इसको तकलीफ है दोस्तों, इसको काफी जख्म लग चुके हैं। अब बस ठीक हो जाए दुआ यही कर रहे हैं। अब देखें घास ही अच्छे तरीके से खा रहे हैं हमारा रैबिट ना, ये देखें। बस दुआ यही करेंगे यार जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा यार, एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या बना रहे हो उत्तराप? यार हमारी गाय के लिए खल, चोकर, दलिया, इसमें और चीजें भी हैं, काला चना, वाओ सारा कुछ है। टेस्टी लग रहा है देखने में। खाना है तो बताओ। नहीं मैं नहीं खा रहा। हाँ, दूध देना पड़ेगा सिर्फ। डालो ये तूड़ी में मिक्स करना है, ऐसे नहीं देना होता इसको। अच्छा अच्छा करो मिक्स करो। यार ऐसे गोल्डन गोल्डन नजर आ रही है। ओ भाई ये सारा कैसे खाएगी ये? क्या डायनासोर है क्या ये? देख रहे हो यार पूरी भरी हुई है ये। ये देखना तो सही, आप कैसे करते हो। हाँ वैसे हमारे जो हमने दूध के लिए इसको लिया था ना, तो आप हमारे घर का दूध जो आता था उतने पैसों में, इससे ज्यादा तो गाय खाती है हमारा खाना। ऐसे है ना, नुकसान पे है ना गाय हमें। मैंने अब देखो तो आपके काम देखे, इसने कहा घर वालों को मनाया था कि गाय लेते हैं और क्या नाम है ये, हम जो दूध के पैसे भरते हैं वो भी बच जाएंगे हमें और गाय भी आ जाएगी हमारे पास, लेकिन हम उससे डबल इसके खाने पे लगा रहे हैं। मैंने वैसे कह दिया था कि दूध के लिए ना रखने देंगे, मुझे तो अच्छी लगती थी ना गाय, मैंने ऐसे ही ड्रामा किया था। ओए होए लेकिन नुकसान पे, अभी मुझे लगता है ये भी नुकसान दे रही है हमें। ओए नहीं दे रही यार। लेकिन कोई बात नहीं, है तो बहुत प्यारी, हमें क्यूट लगती है, इसका बा, 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 बच्चा भी है हमारे पास। कोई नहीं खाओ यार खाओ। तो यार यहाँ पर आपको ऐश और फियोना नजर नहीं आ रहे होंगे, मैंने ऐश और फियोना को और जगह पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी होती थी, पानी मिट्टी और ऊपर से गाय, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। ऐश और फियोना भी डर रहे थे और गैया भी डर रही थी ऐश और फियोना से। तो अब सोचा है मैंने कि क्यों ना, क्या हुआ? उंगली मेरी पकड़ ली। ओए 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 यार ना ऐसे खेला करो ना उसके मैं साथ। मैं क्या खेलता हूँ इसके साथ, ये तो ऐसे किया इसने पकड़ लिया। देखो दोबारा करता हूँ, ये देखना अभी ये गया। ओहो अभी ये खा रहा है मेरी उंगली। यार कभी हमारे भी इस तरह से मुर्गियां बाहर घूमती थी, लेकिन ये हमारी मुर्गियां नहीं है, ये हमारे नेबर्स की मुर्गियां हैं। हम जब बाहर खोलते थे ना, सब हमारे खिलाफ हो जाते थे कि भाई हमारे ये क्यारी खराब कर देती हैं, हमारी सब्जियां खराब कर देती हैं। अब देखें हमारी क्यारियों में घूम रही हैं, लेकिन मैंने आज तक इनको मना नहीं किया, क्योंकि मेरी भी बाहर होती थी तो मुझे जिस तरह से फील होता था जब कोई मना करता था। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने यही बोला कि यार जब हमारी होती थी ना मुर्गियां, सब हमारे खिलाफ होते थे कि हमारे वो पुलिस लाइन में चले जाते। यार मना तो करते थे ना दोस्तों, आपको मैं पहले भी बताता था कि ये मसला हो रहा है, मुर्गियां हमारी बाहर जाती है, फिर मैंने ऊपर ही उनको शिफ्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखें सारी मुर्गियां घूम रही है, यहाँ पर हमारे जू में घूम रही है। अच्छा उधर उधर हमारे एक डॉग भी घूम रहा है, इधर मैं दिखाऊं।
ये देखो वो घूम रहा है। तो यार यहाँ पर हम एक कांटे वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी सब्जी लग रही है और थोड़ी थोड़ी होने भी लगी है, मुर्गियाँ वगैरह आती है ना, तो ये कांटे होंगे ना जब फिर मुर्गियाँ अंदर आने पाएंगी। अच्छा यार, अच्छा लड़ क्यों रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे। चारों तरफ से हमने इसको सिक्योर कर लिया है भाई। कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं, ऐसे ना देखो हमें। यार जब भी हम ऊपर आते हैं ना, ये हमारी जो बकरी है ना, पता नहीं कैसे देखती है, जैसे इनको हमारी इतना याद आ रही है कि भाई कितने सालों से हमें नहीं देख पाई है। देखो वो नाची बकरी को देखो, बहुत ही क्यूट लगते हैं यार। और जब से ये छत पर आई है ना, छत का माहौल ही चेंज हो गया, ऐसे लगता है जैसे किसी हम फार्म में आ गए। यहाँ पर देखें टर्की बर्ड्स, डक्स वगैरह, और हमारे पिजन्स, और यहाँ पर जो हमारा मास्टर केज हो गया ना, बहुत ही प्यारा हो गया है। काफ़ी भाई कमेंट्स में मुझे कल कह रहे थे कि भाई आपका मास्टर केज बहुत खूबसूरत हो गया है, बस लाइटिंग लगवा लें। तो लाइटिंग भी इंशाल्लाह लग जाएगी। ये देख रहे हो हमारे जो लव बर्ड्स हैं वो उस सामने वाले नेस्ट बॉक्स में जा रहे थे, वो जो देखते हैं ना, अंदर से जाके देखते हैं यार, बहुत प्यारे लग रहे थे यार कसम से। इस वाले यार नेस्ट बॉक्स में जा रहे थे, इधर देखते हैं यार कुछ बनाया तो नहीं हुआ, क्या पता यार। जो हम सबसे पहले लेके आए थे लव बर्ड, उन्होंने अंडे ना दे दिए। पहले वैसे देखा था तो कुछ नहीं, नेस्ट ही बना हुआ यार, सिर्फ नेस्ट बना हुआ यार, पत्ते ही पत्ते हैं इसमें और खास कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम देते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह हो जाएंगे कुछ ना कुछ, हमें खुशखबरी जरूर मिला करेगी, रोज एक ना एक दिन नई चीज होगी, क्योंकि परिंदे अब ज्यादा हो गए हैं। फिंचेस कम है ना जो अंडे देती है, वो हम अच्छा बहुत ज्यादा फिंचेस। हाँ। फिर तो अंडे यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार हम ना बहुत ज्यादा फिंचेस वगैरह लेके आते हैं, लाइक जेब्रा फिंच, लाइक ऑल फिंच होती है ना, एक ऑल फिंच होती है, उसके बाद जावा फिंच, ऐसी बहुत सारी, सिर्फ फिंचेस ही लेके आएंगे हम, तकरीबन 15 से 20 पेयर लेकर आएंगे, डिफरेंट वैरायटीज ना, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा फिर, है ना। ये बहुत ही अच्छी चीज जहन में आई है। तो यार हमने इस क्यारी के अंदर भी ना बहुत सारी सब्जियां उगा रही हैं, जैसे गाजर, मूली, सलाद पत्ता टाइप, इस तरह की ना सब्जियां उगाई हुई हैं इसके अंदर। तो मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर अंदर ना उन्होंने मतलब पौधा बनना शुरू हो जाना है, और सब्जियां भी आने वाली हैं भाई, जो कि हम अपने परिंदों को भी खिलाएंगे और हम खुद भी खाएंगे। क्या हुआ, इसकी आंख खराब हुई पड़ी है यार। ओए होए यार, ये बच्चे को क्या हो जाता है यार, कोई बीमारी तो नहीं हो रहा है, बीमारी तो नहीं आई हुई आंख खराब होने वाली, पता नहीं यार। कभी हुआ है ये हमारे एक पिजन के बच्चे की आंख खराब है, आप मुझे मेडिसिन लाजमी बताइएगा, क्योंकि हमारे 3 से 4 ऐसे बच्चे घूम रहे हैं जिनकी आंखें खराब है यार। बताइएगा क्या, वो तो कल तक बताएंगे, हम तो अभी हमने इलाज तो अभी करना है इसका, लेकिन हम इसका पता नहीं है ना मुझे कौन सी दवाई लेनी होती है। 200 और को भी हुआ पड़ा है यार, ये देखो देसी जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बर्ड्स की कोई दवाई होती है। मेरे पास है ऐसे वैसे पिजन के, वो मैं डाल देता हूँ, लेकिन अच्छा। आपने कमेंट में लाजमी बता, चलो जो हमारे पास है चीजें वो तो डाले ना हम, क्या पता उससे सही हो जाए। यार यहाँ पर हमारे देखें सारे कबूतर ना शाम की डाइट खा रहे हैं, और कुछ कबूतर ना यहाँ पर रह गए, अभी अंदर आने की कोशिश करेंगे, देखें अब एक एक करके जाएंगे, ऊपर भी बैठे हुए हैं तो ये भी नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारी बच्चे हैं, मुर्गी हैं, सारे परिंदे ना शाम का खाना खा रहे हैं, और हमारी बकरियाँ बेचारी इसी आस में है कि हमें भी कुछ मिलेगा, तो इनको भी हम घास डाल देते हैं। हाँ भैया, देते हैं, ऐसे नहीं देखते यार, ऐसे नहीं देखते, नजर लग जाती है। तो यार मैंने अपनी बकरियों को घास डाल दी है, और हमारी नाची बकरी भी आजकल ये वाला घास इनके साथ खा रही है, पहले बिल्कुल नहीं खाती थी यार, पहले हम बाहर से दरख्त से पत्ते तोड़ के इसको देते थे वो खाती थी, लेकिन अब ये वाला घास भी खाने लगी है यार, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। चलो यार ये अब यहाँ पर हैप्पी है, इसका दिल लग रहा है, तो अच्छा हो गया ये तो। ऐश फियोना, फियोना इधर आओ मेरे पास आओ। यार हमने ऐश और फियोना को ना फिर से इसी जगह पर शिफ्ट कर दिया है यार, वो जगह बहुत कच्ची थी तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि मट्टी मट्टी हो जाते हैं ऐश और फियोना साथ में, गाय भी डरती थी हमारी, गैया भी बहुत ज़्यादा डरती थी, तो आज से हमारे ऐश और फियोना इधर ही रहेंगे, और इनका घर भी बनवाना है यार। अभी घर हम क्यों नहीं बनवा रहे आपको पता है यार, हमने घर वालों से बात की हुई है कि हमने मिनी जू को शिफ्ट करना है यार, जो वो जो सामने प्लॉट नहीं नज़र आ रहे उनकी बातचीत कर रहे हैं, अब देखते हैं यार कब तक मानते हैं वो, तो इस वजह से घर पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उन प्लॉट्स की इजाजत लेने में, बस दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। ले आओ इसको, ले आओ जल्दी, ले आओ सिप्तैन, प्यास लगी है उसको ना, चलो कैसी पानी पी लो, शाबाश। तो यार अब आपने बताना है कि हम कैसी को यहाँ पर रखें या चेंज कर दें, क्योंकि कैसी यार बिल्कुल पालतू नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, नए बंदों को देखती है तो टांगे उठा लेती है, हम इसके पीछे जाएं तो टांगे उठा लेती है, हम इसको हाथ लगाते हैं मुंह पर तो चीखने लग जाती है, हम इसकी कमर पर हाथ लगाते हैं तो डर जाती है, यार समझ नहीं आती इस कैसी की। अब आपने हमें बताना है कि कैसी के साथ हम क्या करें, चेंज करें या यहीं रहने दें,
हमें तो यार लगता है कि चेंज कर देना चाहिए और आपने बताया इसकी जगह। हाँ, इसके बदले हम और हॉर्स लेंगे जो शरीफ हो। ओहो, वो वाला पानी अब गाय के पास जाएगी उसका खाना खाने। ओहो देखो यार, काम चेक करो कैसी ये तुड़ी है, तुम्हें पसंद नहीं आएगी ये, खा रही है क्या सिपैन? यार कैसी हमारी तुड़ी और चोकर खा रही है, खल भी है इसमें मिक्स। तो खैर दोस्तों, अब आपने हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि हम और घोड़ा लें इसके बदले, क्योंकि यार राइडिंग भी अच्छी नहीं कराती। सितैन मुझे कह रहा है, मैं तो वैसा नहीं करता, सितैन कह रहा बहुत ज्यादा उछलती थी यार, ऐसे ऐसे होती थी, बंदा ऊपर नीचे होता है। तो खैर आपने बताना है। खैर अभी मेरे हाथ में खरखा, इससे मैं करूंगा सफाई। ये देख, खरखा नहीं होता, खरखरा होता है। खरखरा, खरखरा होता है। मैंने रा कम बोला है, खरखा। एक मिनट यार, इसकी सफाई करते हैं, देखना ये कैसे डरेगी। नहीं डरी, नहीं डरी, अब नहीं डरी। वो खड़े हैं ना साथ, चार बंदे खड़े, क्यों डरेगी? ऐसे 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 बाल भी यार, ये नोके साइड हो जाए और टांग मार दे सिपैन। इससे होता क्या है, थोड़ा मट्टी निकलती है, ये मट्टी वगैरह, धूल मट्टी सारा कुछ। हाँ, डेड स्किन सेल्स उतर रहे हैं इसके। ऐसा ही है भाई, ये देखो, ये देखो, ये तुम भी इससे साफ किया करो अपने आप को। थोड़ा मुझे जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें तो जरूरत है। अच्छो, ये देखो, यहाँ से भी, यहाँ से भी। आया मजा? हाँ, बहुत शरारती है यार। ओए यार, कैसी ऐसे नहीं करते यार, कैसी की हो यार? यही वजह है कि ये हमारे हाथ नहीं आ रही, ऐसे हो जाती है, पागल बन के दौरे पड़ते हैं इसको। चलो अंदर चलो, बढ़ी आई तुम घोड़ी, चलो गधी कहेंगी। गधा है ये, घोड़ा नहीं है, गधा है। आते इसकी गधों वाली है ना, वो देखो कैसे भाग के जा रही, डरपोक। तुम अपने आप को अच्छी जगह से ले जाने की कोशिश करिए, खुद ब खुद तुम्हारा नहीं बन रही हमारे से। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल चेयरमैन दयाद को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। स्कार को खाना अभी नहीं दिया तुमने? नहीं भाई, काफी टाइम से कह रहा हूँ मैंने देना है, मैंने समझा हुआ था, दे दिया तुमने। डाइट बढ़ानी है अभी, बड़ा हुआ। डाइट बढ़ानी नहीं यार, काफी है, 2 किलो होता है ना डेली का, काफी है, काफी है।